मौजूद हूँ कराची ईट में, जहाँ पर हनीफिया की जानिब से लगाया गया है बहुत ही जबरदस्त सा स्टॉल। टेस्ट तो बहुत अच्छा है, आउट क्लास, आउट स्टैंडिंग। इनकी मंदी में ऑलमोस्ट हफ्ते में एक बार तो लाजमी खाता हूँ। मैं हूं अंबर जुबैर और आप लोग देख रहे हैं 99 स्पेशल। जी मैं आज मौजूद हूं कराची ईट में, जहां पर हनीफिया की जानिब से लगाया गया है बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टॉल। इस स्टॉल पर क्या क्या वैराइटीज़ मौजूद है खाने की वो भी हम दिखाएंगे और जायके में कैसा है। हनीफिया के बारे में बताती जाऊँ, 1889 से जो है ये कारवा रवा दवा है और अब तक 2024 तक भी है और इस इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी रहेगा। यहाँ के आने वाले लोगों से हम जानेंगे हनीफिया रेस्टोरेंट के टेस्ट की कहानी। आइए मेरे साथ। कौन सा भी ऑर्डर, मैंने हनीफिया का जो स्पेशल है वो ऑर्डर किया है, जो उसका अपना टेस्ट, अपना वो ये बीफ टेस्ट के हवाले से औरतें तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, तो टेस्ट के हवाले से क्या राय है आप? टेस्ट तो बहुत अच्छा है, मैं तो हमेशा लेती हूँ, इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम है। ये वहाँ पे जो इनका अपना है बोट बेसन का, वहाँ अक्सर हमारा जाना होता है। क्या कहेंगी आप, एक पॉजिटिव सा मैसेज दे दें जो हनीफिया के लवर्स हैं उनके लिए? हनीफिया के आप आए ज़रूर खाएं, इसके लिए बहुत मज़ेदार है और बहुत हेल्दी है, फ्रेश भी है। अफान, हनीफिया के हवाले से आपकी क्या राय है? हंटर बीफ ने तो इनकी जो है धूम मचाई हुई, क्या कहें? बीफ तो हम कितने टाइम से बकरा, कितने साल, मतलब इवन 7-8 साल से तो हम खा रहे हैं, खाते खाते बड़े हो गए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या क्या कहेंगे, किस तरह का फूड होता है? आउट क्लास, आउट स्टैंडिंग। इनकी मंदी में ऑलमोस्ट हफ्ते में एक बार तो लाजमी खाता हूँ। वजह? मुझे बहुत पसंद है इस वजह से। आपको ही नहीं बल्कि सबको पसंद है। और आप देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हनीफिया की जान? मतलब ट्राई करें, मैं यही कहूँगा। और रीज़नेबल अगर प्राइस की मैं बात करूँ, क्योंकि फूड है तो पैसों, फूड पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो प्राइस कैसे? में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, प्राइस के हवाले से बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं रोज़ ट्राई कर, मतलब हफ्ते में वीकली जो ट्राई करता हूँ तो उस हिसाब से तो सही लगता है मुझे। हनीफिया ही क्यों आना हुआ आपका, क्या ख्याल है आपका इनके फूड के हवाले? जी बहुत अच्छा और क्वालिटी वाइज जिसे कहते हैं ना एक्सेप्शनल फूड है, और आपको पता है काफ़ी ब्रांड्स हैं मशहूर, मैकडोनल्ड्स, केएफसी वगैरह, तो लोग अक्सर उधर ही जाते हैं, लेकिन इस तरह के ब्रांड्स अगर जाएंगे पाकिस्तानी या फिर लोकल तो और उनको टेस्ट करेंगे, अब इनके फूड को देख भी लें, क्वालिटी बिल्कुल सही है, एक्सेप्शनल फूड है, और इसलिए मैं इधर आता हूँ। यानी कि आप जैसे जो यंगस्टर हैं, क्या हनीफिया उनका फेवरेट है या नहीं? जी बिल्कुल। हनीफिया के हवाले से आपकी क्या राय है, इनके जो जायके? एक्चुअली इसका मेन चीज़ जो है जो सॉसेज हैं हनीफिया की, जो काफ़ी पुरानी है और काफ़ी अच्छे से हम खा रहे हैं और अभी भी आपके सामने के चल रहा है, तो माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा, और काफ़ी पुराना है हनीफिया का नाम है, और सबसे बड़ी बात इनकी कैटरिंग है और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस है इसके साथ।
जिंगर बर्गर। क्या समझते हैं इनके टेस्ट के हवाले से आप, कैसा टेस्ट है? अभी तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया है मैं। इससे पहले तो कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, इनका बर्गर ट्राई नहीं किया। एक्सपेक्टेशंस कैसी है हनीफिया? अभी तो अच्छी लग रही है जिस तरीके से इन लोगों ने मैनेज वगैरह किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा खाते पीते रहते हैं आप लोग माशाल्लाह से, तो क्या लगता है देख के कि किस तरह का होगा? नहीं, अच्छा लग रहा है देखने से। तो ये मुझे बताएं अभी क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं हनीफिया पर? हमारे यहाँ फिलहाल 5 आइटम मौजूद हैं। हंटर बीफ बर्गर है हनीफिया का, जो हमने पाकिस्तान में 1956 में लॉन्च किया है। उसके अलावा फ्राइड हंटर बीफ है विद चीज़ बन के साथ। उसके अलावा क्रिस्पी चिकन बर्गर है, जिंगर बर्गर, चटपटा ब्रोस्ट है, और एक रैप है जो हम अपनी सॉस के साथ, तैयार की हुई सॉस के साथ देते हैं, उसको जैरो के नाम से। हारून साहब, हनीफिया के हवाले से हमें थोड़ा सा बताते जाओ और हमारे व्यूवर्स को भी बताते। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और हमारे बिग बॉस हैं हाजी मोहम्मद सईद कुरैशी साहब, माशाल्लाह हमारी एक शॉप खुली है साउथ अफ्रीका में, वो उस वाले ब्रांच को देख रहे हैं, और अल्लाह के फजल से यहाँ हमारा जो है कराची में जो सबसे पुराना बर्गर और हंटर बीफ अगर इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा, और मेरे शर्ट में भी एक नज़र पीछे देख लें, पीछे भी दिखा दे। ये इनका पूरा ब्रांड का नाम है, 1956 से हम कराची में हैं, और इसके अलावा शिमला से जो है 1889 से हम शिमला से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है, और अल्लाह ने हमें हंटर बीफ में इस काम में अल्लाह ने हमें बहुत बरकत दी, और यूनिक होने की वजह से लोग बहुत पसंद करते हैं हमारी सारी चीज़ों को। इस तरह अब हमारे पास जो है, पहले तो हम फ्रोज़न के अलावा अब हम फ्राइड भी हंटर बीफ सेल करते हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें आपने जो पहले दिखा दी वो सारी चीज़ें हैं। चटपटा ब्रोस्ट है हमारे पास, वो पूरे कराची में सिर्फ हमारे पास ही है। लोग जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है? सबसे ज़्यादा जो यहाँ पसंद करते हैं हंटर बीफ बर्गर और फ्राइड हंटर बीफ चीज़ बन के साथ, चटपटा ब्रोस, चिकन गायरो वगैरह, ये सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया। देखा नाजरीन, ये थे हनीफिया पर हम लोग आज मौजूद थे, और हंटर बीफ जो इंट्रोड्यूस करवाया ये हनीफिया की जानिब से ही हुआ है। मैं भी चाहूँगी कि आप लोग भी हनीफिया की डिफरेंट ब्रांचेस पर जाएं और टेस्ट करें कि कितने मज़े का जो है इनका फूड यहाँ पर होता है। हंटर बीफ आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि जो कि इनका आइडियल इनका फूड है। इसी के साथ अगर आप लोग भी हनीफिया जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल 99 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं जा रही हूँ हंटर बीफ ट्राई करने, सो यू गाइस ऑल्सो ट्राई। अल्लाह हाफ़िज़।